अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दीप। सुबह के 6 बज रहे हैं और हम निकल रहे हैं कुमराट वैली के लिए, और कुमराट के लिए गाड़ियाँ यहाँ से सुबह 6 बजे शुरू हो जाती हैं 7 बजे। तो हमने ये कहा, सोचा कि टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए, अर्ली इन द मॉर्निंग उठें। तो चेकआउट कर लिया हमने होटल से यहाँ से, और अब हम अड्डे की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से गाड़ी पकड़ेंगे और इंशाल्लाह कुमराट की तरफ जाएंगे। क्या सिचुएशन बनती है साथ साथ आपको अपडेट करें। हम पहुंच गए हैं तकरीबन 9:30 9:30 साढ़े 10 तकरीबन पहुंच गए थे। अभी बस इंतज़ार है नाश्ते का, और नाश्ता करेंगे और आबशार की तरफ निकलेंगे। जी जनाब, तो हम नाश्ता करके फ्री हुए हैं और बस निकल रहे हैं कुमराट की तरफ। प्लान हमने ये किया है कि हमें जीप पड़ी है बहुत एक्सपेंसिव, और हमने ये फैसला किया है कि हम ट्रैकिंग करेंगे, हाइकिंग करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे, पैदल चलेंगे। जनाब, हमें पैदल चलते हुए एक ट्रक वाला मिला है, और हमने ट्रक के ऊपर ये जो है चीज़ें थी जो मेरे एडवेंचर में मिसिंग थी, और इसको पूरा करने के लिए हम ट्रक के ऊपर चढ़ गए। सो लेट्स सी, आपका आगे का सफ़र जो है हमारा इस ट्रक के ऊपर है, जहाँ तक ये ट्रक हमें ले जाए। सफर कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा। ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एडवेंचर है, और इस एडवेंचर से मैं महरूम था वैसे अब तक। सो मज़ा आ रहा है, लेकिन असल मज़ा आएगा जब ये जंगल में पहुँचेगा, और क्या ही प्यारा व्यूज़ होंगे, और क्या ही जंगल होगा, और क्या ही दरिया होगा। एक मरतबा फिर से हम सवार से पैदल हो गए। पहली मरतबा में तो मस्जिद ने हमें जो है ट्रांसफ़र दिया। अगले बंदे को पीछे मस्जिद आ रहा था, उसने कहा मैंने यहाँ रुकना है, आप इस गाड़ी पर बैठ जाओ। तो उस मस्जिद पे दूसरे वाले ने भी अभी हमें उतार दिया, बोलता अभी तुम पैदल जाओ। तो अभी हम बस वॉक कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा आगे जा के कहीं ना कहीं पीछे से फिर कोई मस्जिद आएगा। इस कदर ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है कि मैं लास्ट टाइम जब यहाँ आया था तो इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं थी, बहुत कम थी। बहुत सारे होटल ऐसे हैं जो बिल्कुल नए बने, तो मेरे लिए ये बड़ी हैरानकुन बात है कि ये मुस्तकबिल का नारान ना बन जाए, बल्कि ये हमें तंग करेगा, ब्यूटी को ख़त्म करेगा। बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन से यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो भी चेंज होगा। तो मेरे ख़्याल से इस पे गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना चाहिए, कुछ प्लानिंग के तहत यहाँ पर ज़मीन देनी चाहिए कि कहाँ कहाँ होटल होने चाहिए, कुछ तरतीब होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बेतरतीब ऐसे काम हो। कुमराट के जंगल में हम घूम रहे हैं, और यहाँ की अपनी ही कुछ ख़ास बात है। सुकून मिला, गर्मी बहुत शदीद थी पीछे से हम जब मेन रोड से आ रहे थे, और यहाँ पर जैसे ही जंगल में दाखिल हुए तो माहौल बड़ा मज़ेदार हो गया है। हवा ठंडी ठंडी लग रही है, और इन्जॉय कर रहे हैं। कैसे इन्जॉय कर रहे हैं? ऐसे इन्जॉय कर रहे हैं, मज़ेदार इन्जॉय कर रहे हैं। जंगल जंगल में फील ही अच्छी आ रही है, हवा चल रही है हल्की हल्की, तो वो जो गर्मी का एहसास था, शिद्दत का, वो काफ़ी कम हो गया। मज़ा आ रहा है, वॉक करते करते जा रहे हैं आबशार तक।
जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए हैं। यार वैसे इतनी खूबसूरत लोकेशन के ऊपर इतना दुखी और सैड गाना तो नहीं बनता। हाँ अच्छा, मैं वैसे आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना, ये कुम्हराट उस तरह का नहीं रहा, बड़ा चेंज हो गया, इसकी खूबसूरती में काफ़ी कमी आ गई है। लेकिन इसका जो पानी है ना, इसका जो कलर है, ये मुझे बहुत दीवाना बना रहा है। आप यकीन करें कि सारे पैसे इसके पूरे। अभी आबशार तक यहाँ से आधा घंटा और रहता है, लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा आबशार पे बैठने का, जितना मुझे ये पानी फैसिनेट कर रहा है। आप देख सकते हैं कि पानी का कलर बिल्कुल ग्रीन है, बीच में ये जंगल। आय हाय, यकीन करें बंदा सारी ज़िंदगी भी गुजार सकता है। क्या बात है, क्या माहौल है, क्या इन्वायरमेंट है, क्या नेचर है। चलें यार, आपको कोई अच्छा सा गाना सुनाते हैं। गाना कौन सा सुनाएं आपको? घर से निकलते ही जरा दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर, कल शब जो देखा तो बाल बनाती वो खिड़की में आई नजर। मासूम चेहरा भोली सी सूरत, ना वो परी है ना अप्सरा है, लेकिन ये उसकी जादूगरी है। दीवाना कर दे वो, एक रंग भर दे वो, शर्मा के देखे जिधर। जनाब कुम्हराट जंगल में काफ़ी देर से हम चल रहे हैं, और आप यकीन जाने साइडों पे आपको सिवाय रेस्टोरेंट्स के कुछ भी नहीं मिलता। और कुम्हराट जो उसकी अपनी खूबसूरती, असल खूबसूरती जो है वो इसका जंगल है, और वो जो इसका जंगल है वो ये मुझे बड़ी देर के बाद अपनी असली हालत में नज़र आया कि ये जंगल है और इसकी साइडों पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ जंगल है और बीच में सिर्फ चलने का रास्ता है। इस खूबसूरती को देखने के लिए मैं तरस गया था। इस कदर कंस्ट्रक्शन, इस कदर होटल्स तबाही निकाल के रखी। लाइट कैमरा एक्शन एक्शन है सर। यार थर्ड जीप ट्रांसफ़र है हमारा, मज़्डा ट्रांसफ़र है, और काफ़ी देर पैदल चलने के बाद दोबारा हमें एक मज़्डा मिला, और अब हम उम्मीद करते हैं कि ये हमें आबशार तक ले जाएगा। और आबशार हमसे जो है वो सिर्फ 25 से 30 किलोमीटर 25 से 30 मिनट के फासले पर मौजूद है। तो हम इंजॉय कर रहे हैं, ये एडवेंचर भी हमारी लाइफ का बड़ा बेहतरीन है। अभी थोड़ा पैदल चलते हैं और थोड़ी सी जगह के बाद हमें मज़्डा मिल जाता है, हम इसके ऊपर जा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं कुम्हराट को, कुम्हराट की खूबसूरती को। वाटरफॉल पे जाके आपको अपडेट कर दें। ये लगता है यार बैठ के आप बाइक पे आ रहे थे ना अभी?
आउट हमें हैवी ड्राइवर मिले हिंदी से भाई हिंदू भाषा वाला भी आराम ही करो यार इसको भाई हो गया काला चश्मा का मकाम है ये तो इंतहा का खूबसूरत पानी इंतहा का खूबसूरत बैकग्राउंड बहुत ही मज़ा आ रहा है इंजॉय कर रहे हैं। सफ़र काफ़ी थकन वाला था क्योंकि सारा ही ऑफ रोड सफ़र है। दीर से हम सुबह के टाइम आए थे थल और थल से हम आए थे कुमराट से अब आए हैं आगे काला चश्मा। अब बहुत यार बेशक खुदा रहीम है खुदा करीम है खुदा खालिक है ठीक है ना और खुदा एक बेहतरीन खालिक है ठीक है ना। उसने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई उसने इतना खूबसूरत पाकिस्तान बनाया उसने इतनी खूबसूरत वादियाँ बनाई मज़ा आ गया चस आ गई एक काला चश्मा में हम मौजूद हैं। बहुत ही पुरसकून जगह जैसे कि आबशार के सामने बहुत तेज़ी के साथ होटल्स की तमीर जारी है जिसकी वजह से वहाँ का जो सुकून है वो ख़त्म हो गया। कभी वहाँ पर आते थे एक दो होटल होता था बड़ा ही एक सुकून सा मकाम था और वहाँ पर कैंपिंग का एक अपना मज़ा था लेकिन अब इतना रश बन गया है इतना कि आपको सुकून के लिए काला चश्मा आना पड़ता है। आप व्यू मेरे पीछे देख रहे हैं बहुत खूबसूरत मंज़र है सुकून से हम यहाँ बैठे हुए हैं कोई यहाँ पर राइट लेफ्ट रश नज़र नहीं आ रहा और जो नेचर को बंदा फील करने के लिए यहाँ पर आता है तो नेचर आपको मिलता है। बहुत ज़्यादा रश और ऐसे लगता है जैसे पार्क टाइप चीज़ कोई है जिस मकसद के लिए आप आते हैं वो मकसद हासिल नहीं है। बहरहाल अब ज़हनी सुकून के लिए और फ्रेश नेचर के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको काला चश्मा आना पड़ता है। बहुत पुरसकून जगह हम इसको इन्जॉय कर रहे हैं काफ़ी देर से मैं यहाँ बैठा हुआ था हमने पुरसकून होकर अपने सारे काम किए और अब हम यहाँ से वापसी पर निकल रहे हैं। काला चश्मा बेसिकली क्या है उसके बारे में आपको मैं इसके बाद बताऊँ। जैसे कि बहुत सारे जो चश्मे हैं जिनको शिफा से मंसूब किया जाता है उसी तरह स्वात में भी बहुत सारे ऐसे चश्मे आपको नज़र आते हैं इसी तरीके से काला चश्मा भी मशहूर है। हमने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की लेकिन कोई ख़ास हमें उसमें बताया नहीं गया कि ये क्या इसमें बस लोग कहते हैं अल्लाह की कुदरत है इसका पानी पीने से आपके जो अमराज हैं मैदे के या जो शुगर है वो ठीक हो जाती है और इसमें बल्कि खान साहब तो हमें कह रहे थे कि ऐसा पानी पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। तो अब मुझे इसकी हकीकत का तो अंदाज़ा नहीं है कि कितना है लेकिन चूँकि पानी यहाँ मौजूद है और यहाँ पर आपको इस तरह एक रस्सी में एक गिलास नज़र आता है और इस गिलास से आप इस पानी को पी सकते हैं तो मैं इस पानी को पीता हूँ लेट्स सी के शिफा है
पानी पीछे पहाड़ से आ रहा है, आई डोंट नो, पानी ठंडा बहुत ज़्यादा है। इवन मैं दरिया पे भी था, इतना ठंडा पानी वहाँ भी था जितना पानी। क्या इसमें, क्या इसकी खास बात है और क्या? तो जैसे मशहूर है, क्या मशहूर है ये? तो उधर से इस्लामाबाद से लोग आ रहे हैं ना, वो बोलते हैं काला चश्मा जाते हैं। अच्छा, ये तो है ना, ये क्या, इससे क्या होता है? क्या किसी का कोई शुगर ठीक हुआ है, मैदा ठीक हुआ है? ठीक हुआ, बहुत लोग बोलते हैं, इधर से लेके भी जाते हैं, लेके भी जाते हैं। हमें एक बोतल मिल जाएगी पानी की, इसी सब कुछ इसमें, ये इधर से पूछ दो, खाली बोतल हो हम भर के ले जाएंगे।